व्हाट इज़ डिकैंटेशन, डिकैंटेशन क्या है, आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेत के पार्टिकल्स को पानी से अलहदा किया जा रहा है, ये पानी को रेत के पार्टिकल से अलहदा किया जा रहा है। ये टेक्निक बहुत पुरानी है, जब जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त भी मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी। अगर पानी के अंदर मिट्टी मौजूद है देन आप क्या करेंगे, उसे थोड़ी देर के लिए कहीं पे रख देंगे सेटल डाउन होने के लिए। होगा क्या, जो उसमें रेत के पार्टिकल हैं या स्टोन्स मौजूद हैं या मिट्टी मौजूद है, वो थोड़ी देर में बॉटम में जाके जमा हो जाती है, सेडिमेंट बना लेते हैं, सेडिमेंटेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा और वो जाके सेडिमेंट बना लेंगे और बॉटम में पार्टिकल सेटल डाउन होंगे। अगर आप ऊपर आने वाले लिक्विड को एहतियात के साथ उस सेडिमेंट से अलहदा कर लें, देन आपको एक क्लियर लिक्विड हासिल होगा जिसके अंदर रेत के या मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो तमाम के तमाम नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो चुके थे। इसी अमल को हम डिकैंटेशन कहते हैं। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करें देन हम ये डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, डिकैंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। डिकैंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को सॉलिड से अलहदा कर लिया जाता है एंड अदर इमिजिबल लिक्विड्स या फिर दूसरे अगर जो उसमें लिक्विड्स हल नहीं हो रहे उनसे अलहदा किया जाता है। मीन्स एक सेपरेशन टेक्निक ही है ये भी, जिसमें ऐसे लिक्विड को सॉलिड से अलहदा करेंगे या किसी और लिक्विड से भी अलहदा कर सकते हैं जो उसमें मिजिबल नहीं हो, जो उसमें मिक्स ना हो रहा हो। बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट अ टॉप, किस तरह हम अलहदा करेंगे, बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर ऑफ एट द टॉप, टॉप वाली लेयर को अलहदा करते हुए, टॉप वाली लेयर को हम बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट अ टॉप फ्रॉम द लेयर, मीन्स के जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे अलहदा कर देंगे एंड नीचे वाली लेयर में या तो सॉलिड होंगे या इमिजिबल लिक्विड होगा। ये प्रोसेस है डिकैंटेशन का। डिकैंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इंसुलेबल सॉलिड्स पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड और सेपरेटिंग टू इमिजिबल विद डिफरेंट डेंसिटीज। डिकैंटेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंसुलेबल सॉलिड्स पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं और सेपरेट करते हैं टू इमिजिबल लिक्विड्स को विद डिफरेंट डेंसिटीज़, ऐसे लिक्विड जिनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट हैं, जिनके पार्टिकल्स का आप कह सकते हैं या तो वेट डिफरेंट है, मुख्तलिफ साइज़ के पार्टिकल्स होंगे उसकी वजह से भी, या फिर डेंसिटी का फ़र्क आ जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स हमने स्टडी की हैं अब तक पार्टिकल सेपरेशंस की, सब्सटेंस सेपरेशन की, जिसके अंदर या तो फेस चेंज हुआ है या फिर अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड डेंसिटीज़ हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डेंसिटीज़ के हिसाब से टू इमिजिबल लिक्विड्स को भी आप सेपरेट कर सकते हैं डिकैंटेशन के प्रोसेस में। अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर लिखा है कि सेपरेटिंग द अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। सेपरेट किया गया है सैंड एंड वाटर के मिक्सचर से, वाटर एंड सैंड को सेपरेट किया गया है बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए। जो ऊपर वाली लेयर होगी, जो सबसे टॉप पर लेयर होगी वो सुपरनेटेंट कहलाती है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। एंड जो नीचे जमा हो जाएगा, जो पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाएंगे सेडिमेंट बना लेंगे, इनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, इस अमल को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नीचे बॉटम में सेटल्स डाउन हो जाना पार्टिकल्स का तो सेडिमेंट, नीचे वाले का सेडिमेंट कहेंगे, ऊपर वाले को सुपरनेटेंट कहेंगे। डिकैंटेशन इज़ अ प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर बाय रिमूविंग अ लिक्विड लेयर डेट इज़ फ्री ऑफ प्रेसिपिटेट। डिकैंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हम सेपरेट कर लेते हैं रिमूविंग अ लिक्विड लेयर को प्रेसिपिटेट से हम अलहदा कर लेंगे। प्रेसिपिटेट्स मीन ऐसे पार्टिकल जो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक लेयर बना देते हैं, नीचे जाके बैठ जाते हैं या फिर आपस में क्लम्प्स बना रहे होते हैं। द सॉलिड डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन, फिर द पर्पस मे बी टू ऑप्टेन अ डिकैंट। डिकैंट वो लिक्विड जो कि हम ऊपर टॉप वाली लेयर्स के तौर पर अलहदा कर रहे हैं। द पर्पस मे बी टू ऑप्टेन अ डिकैंट लिक्विड फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट, जिसमें कोई पार्टिकुलेट नहीं है, ऐसा लिक्विड मीन्स टॉप वाली लेयर जो है, और टू रिकवर द
प्रेसिपिटेट। पर्पस क्या होता है इसका, या तो हम डिकेंट हासिल करना चाह रहे होते हैं लिक्विड जो कि पार्टिकल से फ्री हो, या फिर हम रिकवर करना चाह रहे होते हैं प्रेसिपिटेट जो उसमें सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो, या फिर लिक्विड हमारे लिए हेल्पफुल हो जो कि टॉप लेयर के ऊपर मौजूद है। डिकेंटेशन का प्रोसेस इसलिए किया जाता है, डिकेंटेशन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स मेड अप ऑफ टू लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटीज डेट कैन नॉट मिक्स टूगेदर लाइक वाटर एंड ऑयल और वन लिक्विड एंड अ सॉलिड। अमूमन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस को या तो फिर लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट किया करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे लिक्विड्स जिनमें एक लिक्विड दूसरे में इमिजिबल है लाइक वाटर एंड ऑयल, या डेंसिटीज़ का डिफरेंट आया हुआ है, या फिर लिक्विड एंड सॉलिड्स को आपस में सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये टेक्निक। यहाँ पर देखिए तस्वीर में दिखाया गया है ऑयल की लेयर आई हुई है एंड वाटर की लेयर आई हुई है। जब आप इसे थोड़ी देर के लिए किस जगह पर रख देंगे ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को, देन ये आप जो ऑयल है वो टॉप पर आ जाता है, वाटर नीचे रह जाता है। हम डिकेंटेशन के टेक्निक से इस तरह ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। द लिक्विड विद हायर डेंसिटी विल स्टे एट अ बॉटम, जो लिक्विड हायर डेंसिटी का होता है वो नीचे बॉटम में रह जाएगा। यहाँ पर हायर डेंसिटी वाटर की है, द लिक्विड विद हायर डेंसिटी विल स्टे एट अ बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड लेस डेंस विल फ्लोट, और जो लेस डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर फ्लोट करने लगेंगे हायर डेंसिटी वाले पार्टिकल के ऊपर तैरने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑयल लेस डेंस है इसलिए वो ऊपर आ गया है। अमूमन हम कहीं कभी भी वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर वाटर में ऑयल मिला के रखते हैं तो ऑयल टॉप लेयर पे होता है, और ऑयल टॉप लेयर पे क्यों होता है, वाटर क्यों नहीं होता टॉप लेयर पे, क्योंकि ऑयल के पार्टिकल्स लेस डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। अगर आम जुबान में बोलें तो उनका वज़न कम होगा या वेट कम है, इसी वजह से वो ऊपर आ जाएंगे, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा डेंस होने की वजह से नीचे चले जाएंगे। इफ़ वी ओपन द टैप, इस प्रोसीजर में जो कि दिखाया गया है यहाँ पर, ये देखिए ऑयल एंड वाटर को जब सेपरेट करने के प्रोसीजर यहाँ पे जो दिखाया गया है कि ऑयल टॉप लेयर बनाई हुई है और सेकंड लेयर ये वाटर की बॉटम लेयर है, मीन्स नीचे वाली लेयर सेकंड लेयर वाटर की है और फर्स्ट लेयर ऑयल की है। इफ़ वी ओपन द टैप, अगर हम ये इस्तेमाल की गई है जो कि सेपरेटिंग फनल टाइप चीज़, यहाँ से अगर हम इसकी ये टैप खोल देंगे, इफ़ वी ओपन द टैप द लिक्विड विद मोर डेंसिटी विल लीव द कंटेनर, होगा क्या, क्योंकि वाटर नीचे की तरफ है तो ये वाटर जल्दी से टैप जिस तरह ही हम खोलेंगे यहाँ पे मौजूद वाटर पहले आएगा बाहर की तरफ। लिक्विड विद मोर डेंसिटी विल लीव द कंटेनर बट एवरी थिंग हैज़ लेफ्ट इट, वी क्लोज द टैप एंड बोथ लिक्विड्स आर ऑलरेडी सेपरेट, जब यहाँ तक ये लिक्विड तमाम का तमाम बाहर एक्सिट हो जाएगा तो हम टैप बंद कर देंगे और इजीली हम इन दोनों लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सेपरेट सॉलिड्स एंड लिक्विड, इसी तरह ये तो हमने दो लिक्विड्स को सेपरेट करने का प्रोसीजर देखा है ऑयल एंड वाटर को, किस तरह हम ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो लिक्विड एंड सॉलिड्स को भी सेपरेट किया जा सकता है। लिक्विड एंड सॉलिड्स का यहाँ पे दिखाया गया है, वी कैन आल्सो सेपरेट अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस विल शिंक टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, सॉलिड सब्सटेंस क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी होती है सॉलिड सब्सटेंस की, इसलिए वो बॉटम में जाकर कंटेनर के बॉटम में जाकर या पैंदे में जाकर जमा हो जाते हैं, सबसे लास्ट में जाकर जमा हो जाएंगे। व्हेन वी डिकांट सेपरेट आर लिक्विड, जैसे ही हम जब नीचे जाके बैठ जाएंगे बर्तन में तो हम ऊपर वाली जो लेयर है लिक्विड की उसे ईजिली पोर कर लेंगे, ईजिली हम उसे लिक्विड को अलहदा कर सकते हैं। वी पोर ऑफ द लिक्विड सो द सॉलिड रिमेन्स इन अ कंटेनर, लेकिन क्योंकि सबसे लास्ट में मौजूद है सॉलिड पार्टिकल्स वो कंटेनर में ही रह जाएंगे और ऊपर वाली लिक्विड की लेयर आप ईजिली पोर करते हुए अलहदा कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये अनडिजोल्व मटेरियल है और ऊपर इसकी एक लिक्विड की लेयर बन गई है, जब आप इसे दूसरे बर्तन में डालेंगे तो सिर्फ लिक्विड ही आएगा, और इसी प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं।
डिकैंटिंग मीन्स यू आर पोरिंग ऑफ अ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट और अदर लिक्विड लेयर। डिकैंटिंग का अगर हम मतलब देखें तो डिकैंटिंग का मतलब होता है कि यू पोर ऑफ अ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। आप लिक्विड को इस तरह पोर आउट कर लो, इस तरह दूसरे बर्तन में उंडेल लो कि आप जो सेडिमेंट बनी हुई है, जो नीचे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, अदरवाइज़ वो भी मिक्स होकर उस पानी में दूसरे बर्तन में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप बहुत एहतियात के साथ उस लिक्विड को पोर डाउन करोगे। यू एजुअली यूज़ इस टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, बट इट कैन आल्सो यूज़ टू सेपरेट टू लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए तो हम ये इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन हम दो इमिजिबल लिक्विड्स के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सचर देखिए दिखाया गया वाटर एंड सैंड का, वाटर एंड सैंड का यहाँ पर मिक्सचर दिखाया गया है। जब डिकैंटेशन का प्रोसेस हम इसके अंदर करेंगे, ये देखिए वाटर एंड सैंड का ये देख, और इसके अंदर नीचे सैंड जमा हो गई, अगर थोड़ी देर आप इसे रखोगे ऊपर क्लियर वाटर आ जाएगा। अब नीचे जो लेयर जमा हुई है इसे हम सेडिमेंट कहेंगे, सेडिमेंट, और ऊपर क्लियर लिक्विड है उसे दूसरे कंटेनर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप निकाल सकते हैं, और इस तरह हम पानी में से रेत को ईजीली अलहदा कर लेंगे। डिकैंटेशन ऑफ लिक्विड, वी कैन यूज डिकैंटेशन टू सेपरेट टू लिक्विड एंड डिफरेंट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज सच एज ऑयल एंड वाटर, इसकी एक एग्जाम्पल है। डिकैंटेशन ऑफ द सेडिमेंट की अगर बात करते हैं, वी कैन आल्सो सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम हैवी सेडिमेंट डेट श्रिंक द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सेडिमेंट हमेशा उस चीज़ को कहते हैं जो कि नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एंड वाटर, अगर स्टोन एंड वाटर का आप मिक्सचर ले रहे हैं, आप देखेंगे स्टोन्स ज़्यादा हैवी होते हैं वाटर के निस्बत, इसलिए वो नीचे बॉटम में जाकर कंटेनर की सेटल डाउन हो जाएंगे और सेडिमेंट्स बनाएंगे। आप देखिए तस्वीर के अंदर दिखाया गया, जैसे कि इसमें मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटीज, वाटर एंड ऑलिव ऑयल का एक मिक्सचर लिया गया है, वाटर एंड ऑलिव ऑयल का मिक्सचर लिया गया है यहाँ पर। इसमें मीन्स के ऑयल एंड वाटर मिक्स है, लेकिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया गया। जब इसे हम सेपरेटिंग फनल में डालकर थोड़ी देर स्टैंड करेंगे तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर की लेयर नीचे रह जाएगी। जब हम इसकी टैप खोलेंगे, जब सेपरेटिंग फनल के हम टैप खोलेंगे, देन वन बाय वन सबसे पहले वाटर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर की लेयर हल्की होने की वजह से, ऑयल की लेयर हल्की होने की वजह से टॉप पर थी और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे की तरफ था। इसलिए जैसे ही हम इसके टैप खोलेंगे वाटर इसमें आना शुरू हो जाएगा, बर्तन में आना शुरू हो जाएगा वाटर। आप ऑलिव ऑयल एंड में रह जाएगा, जब ऑलिव ऑयल ले जाएगा आप ये टैप बंद कर दीजिए और आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाटर दूसरे कंटेनर में रिसीव हो जाएगा। इस तरह आप दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आपने क्लियर करना है सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, देन आप भी यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सैंड क्योंकि नीचे बैठी हुई है हाई डेंसिटी होने की वजह से और लाइट डेंसिटी होने की वजह से वाटर ऊपर है, आप दूसरे बर्तन में वाटर को ईज़िली पोर कर लें। आप वाटर को ईज़िली पोर कर लोगे और इन दोनों मिक्सचर को, कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ इंसोलेबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, बीकर में वाटर एंड सैंड का मिक्सचर है। सेडिमेंटेशन क्या है, द प्रोसेस, डिफरेंट किस्म के इंसोलेबल सॉलिड्स को हम और लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हैं। लाइक अगर सेडिमेंटेशन की बात करते हैं, द प्रोसेस इन विच इंसोलेबल इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट अ बॉटम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म सेडिमेंट। जब डिफरेंट किस्म की इम्प्योरिटीज़ नीचे जाके बॉटम में बैठ जाती हैं किसी भी कंटेनर के, लिक्विड के हम ये कह सकते हैं ऊपर आ जाता है, तो नीचे जो बैठ जाएंगी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे जो इम्प्योरिटीज़, उनको हम सेडिमेंट कहेंगे। ऑब्टेन द क्लियर वाटर फ्रॉम मेडी वाटर, लाइक अगर रेत वाला आपने पानी है या मट्टी वाला पानी है, देन उससे अगर आप क्लियर पानी अपने सेपरेट करना है तो आप ये टेक्निक अपना सकते हो। डिकैंटेशन में क्या है, डिकैंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ जेंटली पोरिंग क्लियर लिक्विड, लेकिन आप अगर डिकैंटेशन के प्रोसेस की तरफ आएँ तो उसमें जेंटली आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, ऊपर वाला क्लियर लिक्विड की जो लेयर है उसे नीचे वाले सेडिमेंट या प्रेसिपिटेट्स जो बने हुए हैं उनसे अलहदा कर लेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग दैट सेडिमेंट। सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना, अदरवाइज वो दोबारा से मिक्सअप हो जाएगी क्लियर लिक्विड में। जबकि फिल्ट्रेशन का अगर आप अमल देखें, ये भी सेपरेशन टेक्निक है का, जब फिल्टर करते हैं हम किसी भी चीज़ को, इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करते हैं, सब्सटेंस को फिल्टर करते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन की टेक्निक में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वेरी फाइन इंसुलेबल सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड। बहुत फाइन और बारीक किस्म के सब्सटेंस मौजूद हों
देन हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक अपनाते हैं। द प्रोसेस बाई विच वेरी फाइन इंसुलेबल सॉलिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड सॉलिड मिक्सचर बाय पासिंग थ्रू अ सूटेबल पोरस मटीरियल। लेकिन इसके लिए एक पोरस मटीरियल चाहिए होता है जिसके अंदर से हम इस मिक्सचर को छानें, लाइक फिल्टर पेपर हो, फिल्टर पेपर छानने का काम कर रहा होता है यहाँ पर। द लिक्विड ऑब्टेंड फ्रॉम फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जो फिल्ट्रेट हमें हासिल होता है वो हकीकत लिक्विड पोर्शन होता है मिक्सचर का। टी इज़ फिल्टर्ड एज यूजिंग अ स्ट्रेनर, जैसे हम चाय छानते हैं चाय छानी के साथ हम चाय छानते हैं तो हमारे पास जो चाय हासिल होती है वो फिल्ट्रेट है। ठीक है, अब आप देखिए एग्जांपल सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन की एग्जांपल्स को मज़ीद यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज टेकन इन बेकर एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। आपने क्या करना है कि सैंड एंड वाटर का एक मिक्सचर लेना है, किसी भी बीकर के अंदर आप बना लें कि किसी भी पानी में रेत या मिट्टी का डालकर आप मिक्सचर बना लें और उसे थोड़ी देर के लिए रख दें। तो क्या देखने में आता है, द सैंड बीइंग हैवियर, जो रेत के पार्टिकल हैं वो हैवी होते हैं पानी के पार्टिकल्स की निस्बत। तो हैवी होने की वजह से वो क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, जिस बर्तन में हमने बनाया है ये मिक्सचर उसके नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। द सैंड बीइंग हैवियर देन वाटर एंड इंसुलेबल इन वाटर सेटल एट अ बॉटम ऑफ द बीकर। देखिए सेटल एट अ बॉटम ऑफ द बीकर का मतलब है कि बीकर के पैंदे के अंदर बैठ जाएंगे, सबसे नीचे जाके बैठ जाएंगे। दिस सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल इज लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये जो सेटलिंग डाउन हुई है पार्टिकल की सबसे नीचे जाकर, सबसे नीचे वाले पोर्शन में बर्तन के या बीकर के सबसे नीचे वाले पोर्शन में जाकर जो सेटल डाउन हुए हैं ये पार्टिकल, इसको हम कहेंगे प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। क्या इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। जबकि डिकांटेशन हम कब कहेंगे, टेक एन अदर बीकर। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो गया, नीचे जाके सेटल डाउन हो गए हैं बॉटम के अंदर पार्टिकल्स एंड सेडिमेंट लेयर बन गई है उन पार्टिकल्स की, सैंड पार्टिकल्स की। देन सेकंड स्टेप आप इसका देखें, सेकंड स्टेप में दिखाया गया टू टेक एन अदर बीकर। अब आप एक और बीकर लोगे, ठीक है, अब आप एक और बीकर लोगे, ये देखिए यहाँ पे एक इन्होंने दूसरा बीकर लिया है, यहाँ पे सेडिमेंट बन चुका है पहले वाले बीकर में और टॉप पर एक लिक्विड लेयर बन गई है। अब आप दूसरा जो बीकर लेंगे एंड पुट अ ग्लास रोड, इसके अंदर एक ग्लास रोड डालोगे, ठीक है, ग्लास रोड डालोगे इन आ स्लेंटरिंग पोजीशन। किस तरह की पोजीशन, द पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है ये आड़ी कर इस तरह की पोजीशन में आप इसको रख देंगे। स्लोली टेक द फर्स्ट बीकर, अब पहला वाला जो बीकर था आपका, जो पहला वाला बीकर आपने इस्तेमाल किया था, ये देखिए ये पहला वाला बीकर था। स्लोली टेक द फर्स्ट बीकर एंड पोर द वाटर जेंटली, आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता पानी को दूसरे वाले बीकर में पोर करते जाना है। ये पानी टॉप लेयर पे था और सॉलिड पार्टिकल सेडिमेंट हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता से पोर करते जाएंगे। ऑन अ ग्लास रोड, किस पे पोर करेंगे, ग्लास रोड पे पोर करेंगे। ग्लास रोड को रखने का मकसद ही ये था कि आप इसको ग्लास रोड पे पोर करेंगे। दिस ट्रांसफ़र ऑफ द वाटर इज कॉल्ड डिकैंटेशन, अभी जो वाटर को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप आराम से आहिस्तगी से रेत के पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो गए हैं उन्हें हिलाए बगैर, उन्हें डिस्टर्ब किए बगैर ऊपर की लेयर जो वाटर की है उसे दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहेंगे। डिफरेंस समझिए सेडिमेंटेशन का एंड डिकैंटेशन का। सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है पार्टिकल्स का बॉटम में जाकर बीकर की सेटल डाउन हो जाना, जबकि डिकैंटेशन का मतलब होता है टॉप वाली लेयर को सेडिमेंटेशन लेयर से अलहदा कर लेना, सैंड पार्टिकल से अलहदा करना या हैवी वेट पार्टिकल से टॉप वाले लेयर को अलहदा कर लेना, इसको हम कहेंगे डिकैंटेशन। Decantation is frequently used to purify a liquid by separating it from a suspension of insoluble particles. हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं decantation को, इसकी application क्या है, अगर हम देखें तो decantation is frequently used to purifying the liquid. Liquid को purify करने में इस्तेमाल होता है by separating it from suspension of the insoluble particles. अगर कोई भी suspension type, suspension क्या है, suspension के बारे में मैंने आपको बताया था, जब अब किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड हुए होंगे तो हम उसे सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन से अगर आपने इंसुलेबल पार्टिकल को सेपरेट करना है देन ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है सैंड के पार्टिकल्स,
को हम और से हमने टॉप क्लियर वाटर के लिए अलहदा की है, ये भी डिकेंटेशन के प्रोसेस में आता है। अ कॉमन एग्जांपल इन डिकेंटेशन ऑफ ऑयल एंड विनीगर, ऑयल एंड विनीगर के एग्जांपल लें या ऑयल एंड वाटर के लिए, ऑलिव ऑयल एंड वाटर के लिए, वहाँ पर भी इन दोनों किस्म के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिकेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इज अलाउड टू सेटल, जब दो लिक्विड्स के मिक्सचर को हम सेटल डाउन होने के लिए रख देते हैं, द ऑयल विल फ्लोट ऑन अ टॉप ऑफ द वाटर। देखने में क्या होता आता है कि पानी के ऊपर ऑयल तैरने लगता है। सो द टू कंपोनेंट्स में भी सेपरेटली, इस तरह हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेपरेट फनल दिखाई गई है, यहाँ पे ये सेपरेट फनल है और इसके अंदर केरोसिन ऑयल एंड वाटर है, केरोसिन ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है ये। केरोसिन ऑयल ऊपर येलो कलर का अलहदा हो गया है, लेयर बनाई है इसने, और नीचे ब्लू कलर की वाटर की लेयर है। जब अभी हम थोड़ी देर रखेंगे तो केरोसिन ऑयल एंड वाटर अलहदा अलहदा हो जाएगा इसी, और हम जैसे ही स्टॉक्स पॉक या फिर हम ये जो टैप है इसे ओपन करेंगे, देन वाटर की लेयर नीचे होने की वजह से वाटर की लेयर अलहदा की जा सकती है आराम से केरोसिन ऑयल से। तो हम ये कह सकते हैं कि केरोसिन एंड वाटर कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन प्रोसेस। इसके अलावा प्लाज्मा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड थ्रू डिकेंटेशन बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूज। हम प्लाज्मा को भी सेपरेट कर सकते हैं ब्लड में से। किस तरह सेपरेट करेंगे? प्लाज्मा कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड थ्रू डिकेंटेशन बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में डालकर जब उसे तेज़ी से घुमाएंगे देन प्लाज्मा अलहदा हो जाएगा, प्लाज्मा टॉप लेयर पर आ जाएगा, जबकि RBCs सबसे नीचे चले जाएंगे हैवी वेट होने की वजह से, ज़्यादा डेंसिटी रखने की वजह से, और WBC में प्लेटलेट्स मिडल में आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूज, क्योंकि अगर हम प्लाज्मा और ब्लड को बहुत देर तक रखेंगे एक तो उसकी बायोलॉजिकली एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, दूसरा ये होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर हम नॉर्मल फ्रोमिना से करते हैं नेचुरली तौर पर डिकेंटेशन का प्रोसेस, तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स ग्रेविटी के तहत सेटल डाउन हो रहे होते हैं। अगर हमें इसी अमल को बहुत तेज़ करना है देन हमें सेंट्रीफ्यूज यूज़ करना होगा। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल पैरा होती है और बहुत तेज़ी से सैंपल को घुमाती है, जो पार्टिकल हमने जिसमें से अलहदा करने हैं उस लिक्विड को बहुत तेज़ी से घुमाती है। बहुत तेज़ी से घूमने की वजह से उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूज फोर्स अमल करती है और पार्टिकल्स बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंट लेयर्स बन जाती है सब्सटेंस की बहुत जल्दी से। जैसे यहाँ पे प्लाज्मा दिखाया गया है, प्लाज्मा की डिफरेंट प्लाज्मा टॉप पर आ गया है एंड RBCs नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज का सहारा लिया गया है डिकेंटेशन के प्रोसेस को जल्दी परफॉर्म करने के लिए। आ सेंट्रीफ्यूज में आल्सो बी यूज्ड इन डिकेंटेशन, सेंट्रीफ्यूज भी डिकेंटेशन की प्रोसेस करने के लिए अप्लाई की जाती है। देखिए कल भी हमने जैसे स्टडी किया था सेंट्रीफ्यूज के लेक्चर के अंदर, मशीन दिखाई गई है और उसमें हमने प्लाज्मा को सेपरेट किया है ब्लड में से और RBCs की लेयर अलहदा हो गई है। आ सेंट्रीफ्यूज में बी आल्सो यूज्ड इन डिकेंटेशन एज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन इज टाइम कंज्यूम, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो होगा डिकेंटेशन का वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ सेटल डाउन होती है, एकदम फ़ौरन से पार्टिकल्स आके बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते, वो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हम कोई मशीन लेते हैं जिसे सेंट्रीफ्यूज कहा गया और वो उसे तेज़ी से घुमाती है सैंपल को, देन यही प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो जाएगा। अ सेंट्रीफ्यूज फोर्स डेट पार्टिसिपेट टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर इफ़ द फोर्स इज हाई इनफ, सॉलिड कैन एग्रीगेट टू फॉर्म प्लेट्स एंड मेकिंग इट ईजियर टू सेपरेट द मिक्सचर। जैसे ही बहुत तेज़ी से ये मशीन सैंपल को घुमाती है क्या होगा, पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे और ईजीली वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे टाइम कंज्यूम किए बगैर। देन द लिक्विड कैन बी मोर ईजीली पोर अवे एज द प्रेसिपिटेट विल बी ट्रेंड टू बी रिमेन इन इट्स कंप्रेस्ड फॉर्म। हम इस तरह लिक्विड को अलहदा कर सकते हैं और टाइम भी हमारा ज़्यादा नहीं लगेगा। डिकांटर सेंट्रीफ्यूज में भी यूज्ड फॉर कंटिन्यूस सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। एक डिकांटर सेंट्रीफ्यूज भी यूज़ किए जाते हैं जो कि डिफरेंट सॉलिड एंड लिक्विड के सेपरेशन के टेक्निक्स को अपनाते हुए यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखिए सैंपल लिया गया है ब्लड का,
डिकैंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस से पहले ब्लड रेड ही नज़र आ रहा था, क्योंकि मिक्स हुए हुए थे प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, WBCs, प्लेटलेट सब मिक्स था। लेकिन क्या है, स्पिन अ सिंपल ये दिखाया गया, स्पिन अ सिंपल सैंपल वेरी रिपीडली देंस मेंटेन गो टू द बॉटम आउटसाइड एंड सेपरेट ब्लड इनटू द सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम क्लियर कलर का जो पोर्शन है वो सीरम नज़र आ रहा है, प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स अलहदा हो गए हैं। ये देखिए यहाँ सीरम अलहदा हो गया एंड प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स इस टेक्निक की वजह से अलहदा हो गए। तो आप देख सकते हैं डिकैंटेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डिकैंटेशन के प्रोसेस को अगर हम उर्दू में बोलें तो निथारने का अमल कहते हैं। मीन्स एक चीज़ को दूसरे चीज़ से सेपरेट करना, इस तरह सेपरेट कर लेना कि एक नीचे सेटल डाउन हो गई है और दूसरी चीज़ टॉप पर आ जाती है। देन आप टॉप वाली लेयर को बॉटम वाली लेयर से अलहदा कर लें और इस अमल को हम डिकैंटेशन कहेंगे। टॉप वाली लेयर को जब आप बॉटम वाली लेयर से अलहदा कर लेंगे इस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहेंगे। और जो बॉटम में लेयर बनी होती है अमूमन उसे सेडिमेंट कहा जाता है या सेडिमेंटेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को, क्योंकि पार्टिकल्स नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं और सेडिमेंट लेयर बना लेते हैं। जब इस लेयर के ऊपर से हम क्लियर लिक्विड सेपरेट करते हैं इस प्रोसेस को हम डिकैंटेशन कहते हैं। अगर इसी डिकैंटेशन के प्रोसेस को आपने जल्दी अचीव करना है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आपने करना है, देन आप सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ कीजिए, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ कीजिए जो डिकैंटेशन के अमल को बहुत जल्दी कर देता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इस प्रोसेस के। हम मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लाइक इनविजिबल लिक्विड्स, टू लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए केरोसिन एंड वाटर का मिक्सचर को अगर हमने सेपरेट करना है, वेस्ट वाटर इज आल्सो बी प्रोसेस बाय डिकैंटेशन। इसके अलावा ऑलिव ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर अगर आपने सेपरेट करना हो या प्योरीफाई करना हो डिफरेंट सॉलिड्स को, वहाँ पे भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा सेपरेशन ऑफ जेल्स एंड मैगमास में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस में है, ईजी है, सस्ता पड़ जाता है, चीप है एंड क्विक, हम क्विक मेथड उस वक्त कहते हैं जब हम सेंट्रीफ्यूज इसे यूज़ करें, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, सम टाइम्स पार्टिकल्स आर लाइटर इन अ मिक्सचर, दे कैन नॉट सेटल एट अ बॉटम एंड ड्यूरिंग पोरिंग प्रोसेस दे कम विद डिकांटिंग सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल्स की डेंसिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मीन क्या होगा, वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे पूरे तरीके से, सस्पेंड रहेंगे लिक्विड में, ऊपर वाली लेयर में भी सस्पेंड रहेंगे, दे उस वक्त उन्हें सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसमें भी पार्टिकल्स को सेपरेट किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। यहाँ पर डिकैंटेशन के प्रोसेस में भी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ही सेपरेट किया जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए सेपरेटिंग फनल्स यूज़ करते हैं या फिर बीकर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल से हम मुख्तलिफ उसमें डाल लेते हैं। लेकिन हम सेंट्रीफ्यूज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर हमें यही टेक्निक बहुत तेज़ी में करनी है। और सेंट्रीफ्यूज में भी यूजफुल फॉर डिकैंटिंग सॉल्यूशन थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस द सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर पार्टिकल्स इज डन विद ईजी एंड मिनिमम टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिकैंटेशन का प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगेशन स्लो होता है, एज़ कम्पेयर टू जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन बात करते हैं तो ये मेथड स्लो होता है। उम्मीद करती हूँ आपका आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।